नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अशोक कुमार अपने चैनल बी एस आर टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जूते के हम आपको, ये ओसिस कंपनी का शूज है, इसके नेट हम चेंज करना बताएंगे आपको। नीचे पैड में भी देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है, अंदर पैतावे में भी लिखा हुआ है, जिब्बी पे भी लिखा हुआ है, हर जगह कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम दोनों नेट जो आगे की है दोनों चेंज करना बताएंगे आपको। और फाइनली आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और पूरी जानकारी हो सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं ताकि आप कम से कम समय में वीडियो कंप्लीट हो सके। तो हम इसको पहले, इसका जो लेस है उसको हम निकाल लेंगे। लेस निकालने के बाद इसकी जिब्बी कट करके हम निकाल देंगे, क्योंकि यदि जिब्बी रहेगी तो उसको सिलाई करने में बहुत दिक्कत होगी। जिब्बी कट करने के बाद हम इसके आगे की जो सिलाई है उसको हम कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हम फिर आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। पहले इसको हम कट कर लेते हैं, फटाफट से इसको हम कट करेंगे। इसको हम फटाफट कट कर रहे हैं और फाइनली इसको हमने पूरा कट कर लिया है। ये लास्ट की हम दिखा रहे हैं, बीच का हमने स्किप कर दिया। ये देखिए पूरा ये हमने कट कर लिया है। और पूरा कट करने के बाद इसको हम फिर दूसरे वाले स्विच को भी हम कट कर लेंगे और दूसरा फटाफट से हम इसको कट करेंगे, दूसरा वाला स्विच, ताकि दूसरा वाला भी हमारा फट से कट हो जाए और कंप्लीट हो जाए। पहले इसको हम जिब्बी को कट करके निकाल लेंगे और जिब्बी निकालने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। जिब्बी निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिब्बी निकाल जब हम लेते हैं इसकी, तो इसकी सिलाई करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है और काफ़ी जल्दी सिलाई होती है और बहुत ही आसान तरीके से सिलाई होती है। नहीं तो बार बार बीच में जिब्बी होगी तो सिलाई करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो ये जिब्बी कट हो गई हमारी और जिब्बी कट होने के बाद आगे का हम कटिंग करेंगे। और जिस तरह से हमने पहले वाले स्विच की थी उसी तरह से हम दूसरे वाले स्विच कर लेंगे। अभी दूसरा वाला भी स्विच देख रहे हैं आप कि इसको हम कट कर रहे हैं, दूसरा वाला भी फटाक से हम कट कर लेंगे इसको। और नेट और जो सिलाई है उसके बीच की सिलाई को हम कट करेंगे ताकि हमारी नेट भी ना कटे और जो ऊपर का रैगजीन है वो भी कट ना हो। तो इस तरह से वो भी कट हो गया। ये देखिए इसको भी हमने कट कर लिया है और थोड़ा सा ये लास्ट का बचा हुआ है और बीच का हम स्किप कर करके दिखा रहे हैं आपकी, नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये भी हमने कट कर दिया, फाइनली दोनों जूता हमने कट कर लिया। ये देखिए ये भी कट हो गया, तो पूरा कट कर लीजिए। और उसके बाद जो है कि कट करने के बाद इसकी हम सिलाई निकाल लेंगे, पूरी सिलाई निकाल लेंगे। जो भी कट करने के बाद ऊपर की सिलाई पहले की जो सिलाई की हुई है उसकी हम सिलाई की जो धागे हैं उसको हम निकालेंगे। तो सिलाई के धागे निकाल लेते हैं फटाफट। इस तरह से आप भी धागे निकाल लीजिए, जिस तरह से हम धागे निकाल रहे हैं उसी तरह से आप भी धागे निकाल लीजिए। और पूरा स्विच का हमने धागा निकाल दिया, लास्ट में थोड़ा सा दिखा दें आपको कि ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से धागे निकाले जाते हैं इसके। इस तरह से निकाल लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए उस तरह से आप धागे निकाल लीजिए, इस तरह से धागे निकाले जाते हैं। जैसे फाइनली हमने इसका पूरा धागा निकाल लिया, इसी तरह से हम दूसरे वाले स्विच का भी निकाल लेंगे। और ये देखिए ये दो डबल सिलाई है आगे की, तो दोनों सिलाई के धागे हमने निकाल। अब ये दूसरे वाले स्विच का हम धागा निकाल रहे हैं। तो फाइनली दोनों स्विच का धागा निकालने के बाद आगे का किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से नेट को सेट किया जाता है, सेट किया जाता है, वो सारा हम आपको बताएंगे सब कुछ। वीडियो में बने रहिए। देखिए इसका भी हमने फाइनली धागा निकाल लिया है, दोनों स्विच का हमने धागा निकाल लिया है। जिस तरह से हमने पहने वाला स्विच दिखाया था आपको पहले वाला, उसी तरह से दूसरा वाला भी स्विच, इसका पूरा का पूरा धागा जो कि निकाल दिया है हमने। तो फाइनल चलिए आगे ये दूसरा वाला भी स्विच देख लीजिए। ये देखिए दोनों का निकल गया है। और तो दोनों का निकलने के बाद ये आगे वाला हम काम करेंगे। और जो ज़्यादा हमने अभी ये जो ज़्यादा होल दिख रहा है आगे स्विच का, तो उसको भी हम सिलाई करेंगे। तो ये नेट है, तो नेट को भी हम डिज़ाइन के हिसाब से कट करेंगे इसके, ताकि आराम से इसकी सेटिंग हो सके। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं फटाफट से। और देखिए ये नेट जो ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, जैसे ये फट है, ठीक है। तो कभी भी उस तरह के डिज़ाइन में नेट को सेट ना करें, कभी भी लगाएं तो इसकी जो क्रॉस वाली डिज़ाइन आपको दिख रही है, जो ये इधर से इधर क्रॉस है, तो इस तरह से जो क्रॉस वाली डिज़ाइन है उसको जो है कि ऊपर करके आप लगाइए और सीधा सीधा इस तरह से फट करके ना लगाइए कि ताकि साइड से क्रॉस वाली डिज़ाइन हो, तो ये बिल्कुल लुक उसका अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से कभी भी लगाएं तो इस तरह से लगाएं, इस तरह से हम लगाएंगे ताकि इसका लुक जो है कि काफ़ी सुंदर लगे। लगाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा फाइनली जब हम दिखाएंगे आपको, तो उसके बाद जो है कि आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो चलिए हम इसको कट करते हैं फटाफट से, इसको हम कट करेंगे इसको सेटिंग करने के बाद।
चलिए सुविधाएँ की हेल्प से हम इसको फटाफट से सिल लेते हैं ताकि इसका होल बहुत ज़्यादा ना दिखाई ना दे और सेटिंग करने में काफ़ी परेशानी ज़्यादा ना हो। और ये स्ट्रेचेबल नेट होती है और इसको हम थोड़ा सा सिलाई करके सेट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर। तो इसी तरह से आप भी सिलाई कर सेट कर लीजिए। तो चलिए हम फटाफट से इसे सिलाई कर लेते हैं। तो फाइनली हमने सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद दूसरे वाले जूते के भी नेट हम सेटिंग करेंगे। और ये तो पहले की हमने कट कर ली है, अब ये देख रहे हैं कि इसको हमने पहले अभी कट किया था, अभी दिखाया था हमने। दूसरे वाले जूते के भी नेट को हम कटिंग कर लेंगे फटाक से, इसको भी हम कट कर लेंगे, सेट कर लेंगे जिस तरह से हमने उसके किए इसका भी हम फटाक से जो है कि तुरंत कर लेंगे ताकि हमारे वीडियो में ज़्यादा समय ना वेस्ट हो। तो चलिए हम इसको भी फटाफट से कट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह के लोअर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है जब हम नेट लगा दें तो नेट के नीचे अंदर के साइड से ये देख ये इस तरह से नीचे डायरेक्ट जाली के पीछे नहीं और एकदम से नीचे की साइड रहता है क्योंकि वो जो पुरानी जाली लगी है जूते की तो उसके ऊपर हम इसको लगा लेंगे। तो एकदम से नीचे के साइड में हम इसको लगाएंगे लोअर कपड़ा, इस तरह से हम इसको डाल लेंगे। अभी हम आगे देखते रहिए, हम आपको बताएंगे, जानकारी आपको मिलेगी। तो इस तरह से हम इसको सेट करके उसको अंदर के साइड से लगाते हैं और लगा के इसको हम सिलाई करते हैं। तो चलिए हम अभी सोलेशन लगाते हैं, इसको हमने सेट कर लिया है, कटिंग कर लिए और इसको हम जो है कि सोलेशन लगा के इसको हम चिपकाते हैं जाली को, ठीक है। तो चलिए चलिए फटाफट से हम सोलेशन लगाते हैं इसमें। इस पर सोल्यूशन लगा दिया हमने, उसको रख दिया है। अभी हम जूते में सोल्यूशन लगाएंगे, जिस तरह से हमने जाली में पूरी सोल्यूशन लगाया उसी तरह से हम जूते में भी सोल्यूशन लगाएंगे और उसके बाद हम इसको पेस्टिंग करेंगे, चिपकाएंगे और सेट करेंगे। मैंने मुख्य काम वही सेटिंग करने का होता है और कट और इसका शेप के हिसाब से कट करने का, ये दोनों काम मेन और मुख्य होता है। और चलिए पहले सोल्यूशन लगाते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे, हम आपको बताएंगे। फाइनली हमने दोनों जालियों में और दोनों जूतों में सोल्यूशन लगा लिया है और अच्छे से इसको सेट कर लिया, सुखा दिया है। और इसको हम जो है कि अब जो है कि इसको हम सेट करेंगे। सोल्यूशन जो हमारा चिपकाने के योग्य हो गया है और ये सूख गया है तो इसको हम सेट करेंगे और चिपकाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, कहीं भी वीडियो छोड़ के ना जाइए, ताकि नहीं तो आपको यदि आप बनाना चाहते हैं इस तरह से स्विच को तो आप नहीं समझ पाएंगे किस तरह से बना सकते हैं हम इसको। तो बीच छोड़ के ना जाइए, वीडियो को स्किप ना कीजिए वीडियो को, और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं, अब फटाफट से इसको हम सेट करते हैं। अभी सूखने के बाद हम इसको चिपकाएंगे और इसी के ऊपर सोल्यूशन हमने लगाया ही है पहले से, तो इसको हम रख लेंगे, रख के इसको हम चिपका देंगे। पहले दबा के चिपकाएंगे, नीचे की साइड दबा के चिपका देंगे और जो भी हमारे नेट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको हम कैंची की हेल्प से इसको हम कट करेंगे। कट करने इसलिए ज़रूरी होगा कि आज यदि हम कट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ होगी तो सेट नहीं होगा, तो सेट नहीं होगा तो फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए साइज़ के हिसाब से इसको कट करिए, बस उतना ही बड़ा रहने दीजिए जिससे कि वो अंदर जाके बैठ जाए, अच्छे से सेटिंग हो जाए, तो उसी हिसाब से इसको रहने दीजिए और उसी के हिसाब से इसको कट कर लीजिए। तो कैंची से फटाफट कट करिए और जल्दी से जल्दी, और उसको हम उसको सेट करेंगे और फटाफट से हम इसको कट कर ले रहे हैं और इसको हम सेट कर ले रहे हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि इसको हम कट कर रहे हैं और डिज़ाइन के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से इसको हम कट कर रहे हैं। इसको हम जल्दी जल्दी से कट करेंगे और सेट करेंगे इसको। और अपने पास सब सारा का सारे हथियार रखे रहिए और जो भी औजार है इसके ज़रूरत का उसको रखे रहिए अपने पास। अभी चिपकाने के बाद इसको हम पेचकस के हेल्प से इसको अंदर के साइड जो है कि ये जो अंदर की पट्टी है वो तो सोल्यूशन उसमें लगा नहीं है तो आराम से खुल जाती है, तो उसको खोलने के बाद हम इसमें फटाफट से इसको हम नेट को अंदर के साइड डाल देंगे।
और दबा के नीचे की साइड डालिए। ऐसा नहीं होना हो कि ये नेट फूली हुई हो, ऊपर साइड उभरी हुई हो और सेटिंग बैठे ना उसकी, तो आराम से जो है कि उसको दबा करके पहले भी जब उसको नेट सेट करें ऊपर से रखें तो उसको दबा के रखें ताकि वो नीचे की साइड बैठी रहे, ऊपर की साइड ना उठे। और इस तरह से जब भी इसको सेट करें अंदर की साइड डालें तो बिल्कुल ही दबा के अंदर की साइड डालें इसको, ताकि सेटिंग इसकी अच्छे से बैठ जाए। और इस तरह से देखिए हमने बैठा दिया इसको, ये देखिए ये बैठ गया पूरा का पूरा, ठीक है। और बैठाने के बाद इसकी हम सिलाई करेंगे और पहले इसको हम सुलेशन भी लगाएंगे। सुलेशन लगाने के बाद उसको हम चिपका लेंगे और सुलेशन इस ढंग से लगाएंगे कि जाली पर ना लगे, नेट पर ना लगे, इसी हिसाब से हम इसको सुलेशन भी लगाएंगे। और सुलेशन लगाने के बाद चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद फिर सिलाई करेंगे। चलिए हम सुलेशन वाला काम करते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम दूसरे वाले को भी सेट कर लेंगे, चूँकि दोनों जूते की हम जाली लगा रहे हैं और साथ में आपको बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी पेस्टिंग कर लेंगे, इसको भी चिपका लेंगे, इसको भी सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसकी सिलाई करेंगे और ऊपर से इसके अस्तर में और नेट के ऊपर से सुलेशन लगा के इसको चिपकाएंगे। तो पहले इसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने चिपका दिया है, चिपकाने के बाद इसको अंदर के साइड जो है कि डाल देंगे, जिस तरह से हमने पहले भी डाला है उसको देखा ही आपने, तो उसी तरह से इसकी भी हम सेटिंग करेंगे। और सेटिंग करने के बाद, पूरा सेट होने के बाद, फिर हम इसकी जो है कि सिलाई करेंगे, सुलेशन वाला काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी इसको हम फटाफट सोल्यूशन लगाते हैं सेटिंग करने के बाद। तो सॉल्यूशन लगाने से पहले हम पेंसिल या पेन की हेल्प से इसको हम प्रेस करके, इसको हम नेट के ऊपर से दबा करके इस पे हम लकीर बनाएंगे और इस पे हम चीना खींच लेंगे। पेन की हेल्प से इस पे हम ट्रिक कर लेंगे, ठीक है, मार्क्स बना लेंगे, ताकि उससे आगे हमारी नेट पे जो है कि सॉल्यूशन लगे। सॉल्यूशन उससे ज़्यादा लगेगा तो नेट ख़राब होने लगेगी, अच्छी नहीं दिखेंगे, उस पर धूल मिट्टी बैठ जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, और सेट बनाने के बाद भी वो अच्छी नहीं लगेगी, उस पर सॉल्यूशन बाहर लगाओ। तो इसी तरह से आप किसी भी पेंसिल या पेन के हेल्प से इस तरह से लकीर बना लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन वाला काम करिए। चलिए हम इसी तरह से फटाफट से सॉल्यूशन वाला काम कर लेते हैं। दोनों जूते में हम सॉल्यूशन लगाएंगे, फटाफट से आपको दिखाएंगे तो दोनों जूतों में हम सॉल्यूशन कैसे लगाते हैं। और बहुत ही सावधानी से लगाइए, बाहर की साइड आना नहीं चाहिए। और दोनों जूते में हम सॉल्यूशन लगाएंगे, ऊपर की साइड पट्टी में और नीचे नेट के ऊपर से दोनों जूते में हम सॉल्यूशन लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो चलिए हम सॉल्यूशन फटाफट से लगाते हैं। दोस्तों फाइनली हमने इसमें सॉल्यूशन भी लगा लिया है और इसको सूखने के लिए भी छोड़ दिया था, और कुछ समय बाद तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट के बाद हम इसको चिपकाएंगे, इसको पेस्टिंग करेंगे और सेटिंग करेंगे। मेन और मुख्य सेटिंग ये होती है, ये अगर ये सेटिंग गड़बड़ हो गई तो पूरी डिज़ाइन और पूरा सेटिंग इसके नेट का ख़राब हो जाता है और बैठ नहीं पाता, तो फिर लुक इसका ख़राब हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सेटिंग करने के बाद जूता आपका पैर में बराबर फिट होता है, इसको नेट को अंदर की साइड दबा दबा के इसकी सेटिंग करें, और बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि न आपके पास कोई फर्मा होता है और न ही आपके पास कोई दूसरा जुगाड़ होता है कि नहीं, हाँ इसमें अंदर की साइड सेट करके जो है कि, और फर्मा होता है तो जूते के अंदर डाल देते हैं, तो स्पोर्ट्स शूज का फर्मा हमारे पास है भी नहीं, और ऐसा स्पोर्ट्स शूज का काम करने वाले लोगों के पास जल्दी फर्मा की जरूरत फर्मे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जिस पे हम लेदर के शूज या स्लिप और लेदर के सैंडल्स बनाते हैं उसे फर्मा बोला जाता है, वो हाफ पैर के जैसा होता है और उसी के ऊपर सेट की जाती है उसकी पूरा डिज़ाइन लेदर के शूज की या फिर लेदर के सैंडल की। तो हम हाथ से इसका पूरा काम कर रहे हैं नेट वाला, ना तो हमारे पास फर्मा है ना ही और कोई जुगाड़ है, तो फाइनली इसको हम सेट कर रहे हैं। तो ये देखिए इसको हमने सेट कर लिया पूरा से, एक पैर की हमने सेटिंग कर ली है। इसी तरह आप भी सेट कर लीजिए पूरा अच्छे से, इसको दबा के नेट को अंदर की साइड पर प्रेस कर करके इसको चिपकाइए। अंदर की साइड प्रेस करके नहीं चिपकाएंगे तो फिर सेटिंग नहीं बन पाएंगे। ये देखिए हमने इसको सेट कर लिया है, बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल ही मस्त लग रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग होने के बाद जब भी एकदम लास्ट में इसको सेट करते हैं, जो ऊपर की जब हमने अभी कट करके निकाली थी उसको हम एकदम से लास्ट में करते हैं, फिर दूसरे वाले जूते को भी इसी तरह सेट कर लेते हैं फटाक से।
ये देखिए फाइनली हमने दूसरे वाले जूते को भी सेट कर लिया है। और दूसरे वाले जूते को भी सेट करने के बाद अब इसकी डिज़ाइन देखिए और इसका सेटिंग देखिए बिल्कुल ही मस्त लग रहा है एकदम से, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा भी सिलाई हो जाएगी तो एकदम से फाइनली एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था लोअर का अस्तर लगाने के लिए, लोअर का कपड़ा लगाने के लिए अंदर की साइड से नीचे की साइड से, तो इसको भी अभी हम इसको सेट करेंगे, कट करेंगे ठीक है। डिज़ाइन के हिसाब से इसको पेन या पेंसिल से मार्क कर लीजिए, आप भी लकीर बना लीजिए और उसके हिसाब से इसको कट करके और सॉल्यूशन लगा के इसको हम सेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से करते हैं ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो ताकि आप भी इसको देख पाएँ कम समय में। चलिए इसको भी फटाफट से कट कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं, दोनों जूते हम सेट कर लेंगे और फटाफट से हम इसकी स्पीड बढ़ा करके वीडियो को हम ऐड कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। दोनों जूते के हमने लोअर के अस्तर को कट कर लिया, सुलेशन भी लगा दिया और सुखा भी दिया। इतना कुछ फटाफट करने के बाद हम इसमें लोअर कपड़े को पीछे के साइड से सुलेशन जहाँ पे हमने लगा रखा है दोनों कपड़े में भी और जूते में भी लगा रखा है, इसको हम सेट कर लेंगे। दोनों जूतों को हम सेट करेंगे दोनों जूते में, उसके बाद हम सिलाई करेंगे, पूरा अच्छे से फिटिंग करेंगे, अच्छे से बैठाएंगे अंदर के साइड, ऐसा ना हो कि वो बराबर बैठा ना हो, आगे पीछे या फिर डबल लेयर में ना बैठ जाए। तो इस तरह से बहुत ही अंदर के साइड से सावधानी से जो है कि हाथ से प्रेस करके और बहुत ही सावधानी से जो है कि आप इसको हाथ से दबा दबा के और चेक कर करके इसको सेट करिए और बैठाइए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पहनते समय नहीं तो पैर में लगने लगेगा और पैर में लगेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और पहनने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है और इस तरह से लगा दिया है और दूसरा पैर भी इसी तरह से, दूसरा वाला पैर भी इसी तरह से हम सेट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से उसको भी सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। दोस्तों फाइनली दोनों जूतों में हमने अस्तर को, लोअर के कपड़े को के अस्तर को सेट कर लिया है, चिपका दिया है और उसके बाद हमारा काम है सिलाई करने का। तो सिलाई भी हम थोड़ा थोड़ा ही दिखाएंगे आपको, नहीं तो काम वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है हमारी, 19 से 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और फाइनली सिलाई करने के बाद हम जिब्बी को सेट करेंगे। तो पहले हम सिलाई कर लेंगे, सोल्यूशन वाला काम हमारा हो गया, चिपक के एकदम से सेटिंग बन गई इसकी, बहुत ही मस्त सेटिंग बनी, देख पा रहे हैं आप। फाइनली एकदम से सेट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है। अभी चलिए हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं और सिलाई करके हम आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। पहले शुरू शुरू में सिलाई देख लीजिए, इस तरह का औजार लीजिए, बहुत ही बारीक उसका मुँह होना चाहिए, बहुत ही अगर मोटा रहेगा तो फिर बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा और ना ही बन पाएगा। इस तरह से बारीक मुँह वाला जो है कि औजार लेके काम करिए और इस तरह से देखिए धागा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैचिंग हो सके कर लीजिए, क्योंकि सिलाई तो काफ़ी बारीक होती है तो 50% 60% भी मैचिंग में रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि सेम टू सेम मैचिंग मिल जाए तो और ही अच्छी बात है। तो इस तरह से मैचिंग के धागे से और बहुत ही बारीक औजार से, इसको हम टेक्नी भी बोलते हैं, तो इस तरह से इसकी हम सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई हमने शुरू कर दी है, तो सिलाई थोड़ा सा आपको हम सिलाई दिखा भी देंगे।
पूरे जूते की सिलाई इसी तरह से की जाती है। काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम का काम होता है ये, और बहुत ज़्यादा लोग कर नहीं पाते हैं इसको, तो इस तरह के कारीगर बहुत ही कम मिलते हैं। तो हमारे यहाँ दोस्तों आप लोग बहुत ही कमेंट करते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं हमें। हमारे चैनल पे एक बार जा कर के आप देख लीजिएगा, हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जूते की नेट चेंज करने के। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है वीडियो, तो उसमें काफ़ी छोटी सी नेट हमने लगाई थी, तो हमने सोचा कि एक पूरे साइज़ का नेट लगा के आपको दिखा दें, आगे के बड़ी साइज़ का नेट लगा के आपको दिखा दें, ताकि आपको लगे कि हाँ इस तरह का भी स्विच हमारा ख़राब है, और इतना भी ख़राब रहेगा तो भी बन जाएगा। तो अभी जो हमने अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो इतनी साइज़ का यदि आपको एक जूते का तकरीबन 350 मान लीजिए, तो तकरीबन 600 से 700 का चार्ज लग जाएगा इतनी साइज़ में लगवाने का आगे का, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कितनी ज़्यादा मेहनत होती है इसमें और कितना ज़्यादा समय वेस्ट होता है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ बहुत ही स्किप कर करके, बहुत ही कट कर करके वीडियो अपलोड किया है और वीडियो को आप तक पहुंचाया है। तो इस तरह के करने के बाद भी हमारी वीडियो तकरीबन हमको लग रहा है कि आधे घंटे की तो तकरीबन हो ही जाएगी, 20 से 22 मिनट की तो अभी तक हो चुकी है। तो इस तरह से अभी फाइनल भी नहीं हुआ हमारा स्विच, तो इस तरह से आधे घंटे तक तो हमें सिलने में तकरीबन 4 घंटे से 5 घंटे का समय लग जाता है पूरा स्विच फाइनल करने में, क्योंकि हाथ से पूरा काम करना। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है, ठीक है, तो फाइनली अब सिलाई वाला काम हम फटाफट से करके दिखाएंगे आपको। ये हमने पट्टी पूरी सिलाई कर ली है, देख लीजिए इसकी सिलाई हमने कर ली है। तो ये लाइन और ये एक लकीर तो हमने सिलाई कर ली है, बाकी आगे की सिलाई बची है, तो आगे की भी सिलाई करके ही फाइनली हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की भी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई मैंने कर ली है, अभी आगे की जो डबल सिलाई है मेन और सबसे बड़ी वाली सिलाई, तो इसको भी हमने आधा कर लिया है, और आधा करने के बाद अभी ये देखिए दूसरी भी लाइन भी हमने फाइनल कर लिया है, आगे का पूरा फाइनल कर लिया है हमने। पूरी सिलाई हमने हाथ से करी है, वीडियो को काफ़ी समय लगा सिलने में, लेकिन हमने वीडियो कट कर लिया है और आपको फाइनली थोड़ा थोड़ा ही हम दिखा रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और दिखे कि हाँ कैसा दिखता है और कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमने धागा कट कर दिया, और धागा कट करने के बाद अभी दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से इसकी सिलाई दिख रही है। ये देखिए अभी बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा है कि हाथ से सिला हुआ है, धागे का थोड़ा सा कलर डिसकलर है, हल्का सा डिसकलर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे के पूरी दोनों के दोनों जूते के डिज़ाइन चेंज हुई है, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा, कोई देख नहीं पाएगा। फिर भी ये रनिंग शूज है और नॉर्मल भी यूज करने के लिए भी रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हम इसको जिब्बी को सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे का पूरा सेटअप ही चेंज हो गया इसका, तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे वाली स्विच को भी हम सिलाई कर लेंगे इसी तरह से, इसकी हमने थोड़ी सी पहले ही सिलाई कर ली है। तो फाइनली इसकी हम सिलाई करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा ये वाला दिख रहा है। वो भी लेफ्ट पैर का सूज था, अभी राइट पैर का सूज है, तो थोड़ी सिलाई की है हमने, और फाइनली एकदम से कंप्लीट होने के बाद ही हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ठीक है, इसकी भी हम सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों एकदम से फाइनल हो गया, इसकी भी हमने सिलाई कर ली, और अभी देख पा रहे हैं बिल्कुल ही मस्त लग रहा है, बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है, एकदम से बिल्कुल कम्प्लीट हो गया ये। और अभी देखिए दोनों जूते हमने सिलाई कर लिए, दोनों कंप्लीट हो गया है, और फाइनली इसकी जिब्बी हमको सेट करना बाकी है। तो जिब्बी दोनों पैर की सेटिंग करेंगे हम इसकी, लेफ्ट राइट पहले ही, जब भी आप जिब्बी निकालें कट करें, तो जब भी लेफ्ट पैर का कट करें तो पीछे एक साइड लेवल पे इसके लेफ्ट पैर का हो तो लेफ्ट यल लिख दीजिए, और राइट पैर का हो तो आर लिख दीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए उस हिसाब से दाग लगा लीजिए, क्योंकि जिब्बी भी लेफ्ट और राइट के हिसाब से लगी हुई होती है, तो यदि आप इसमें का उसमें सेट करेंगे तो वो भी दिक्कत हो जाती है। चलिए फाइनली हम इसकी जिब्बी को भी सिलाई कर लेते हैं, सोल्यूशन से लगा चिपका के सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। चलिए हम फाइनली दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है दोनों जूतों में, जिब्बी लगा कर सिलाई फाइनली कर ली है, और अभी इसका हम लुक आपको दिखाते हैं, दूर से दिखाएँगे बिल्कुल मस्त एकदम से कैसा दिखेगा, और उसके बाद फिर लेसिंग वाली भी दिखाएँगे आपको, बिना लेसिंग का भी दिखाएँगे और एक लेसिंग करने के बाद भी दिखाएँगे। तो चलिए हम पहले आपको दिखाते हैं, ये देखिए एकदम बिल्कुल ही मस्त, बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कि हमने इसका नेक चेंज किया है, क्योंकि आगे का पूरा लुक चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो अभी चलिए लेसिंग करने के बाद भी दिखा देते हैं आपको कैसा दिख रहा है। दोस्तों फाइनली हम इस जूते में ने लेसिंग कर ली है, लेसिंग करने के बाद देखिए बिल्कुल ही मस्त लग रहा है, बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ रहा है, और एकदम से अच्छा लुक हो गया। दोस्तों आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, मुझे प्यार दिया, इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना समय देने के लिए आपका। तो दोस्तों इस तरह की अगर यदि प्रॉब्लम आपके शूज में है तो आप हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं, यदि हमारे नज़दीक के हैं तो हमारी
वीडियो हमारे चैनल पर जाके मालूम कर सकते हैं हमारी शॉप कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, सब हमने बता रखा है। एक वीडियो हमारी बनी हुई है ऑलरेडी नेट की, और कितनी प्राइस है। तो दोस्तों आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।